fuerte. Red ball. Very nice. Assalamu alaikum, khawateen aur hazrat. Main hoon Tabish Hashmi. Aap dekh rahe hain Haar Na Manaye, presented by ICICI Dulux and powered by Myco. Aaj PSL 9 ke ek aur game khela gaya, Lahore Qalandar versus Quetta Gladiators. बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, मगर सबसे पहले अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स का इंट्रोडक्शन. मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को चटाई है खाक, ऑलराउंडर खतरनाक, अब्दुल रज़ाक. इनको ज्वाइन किया है एक और ऑलराउंडर ने, हमारी नेशनल टीम की ऑलराउंडर, बल्कि ऑलराउंडर है काफी खास, कायनात इम्तियाज. वेलकम टू द शो कायनात. बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर आप लोगों से, और फिर इंट्रोडक्शन कराएंगे अपने न्यूट्रल अंपायर्स का. रजी भाई, आज खेला गया लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर्स का एक अहम मैच. लाहौर कलंदर से एक बार फिर साहिबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म किया और एक और 62 जड़ दिए. बॉलिंग में भी अकील हुसैन ने एक अच्छी स्पेल कराया. जहाँ तक बात आती है क्वेटा ग्लेडिएटर्स की, उन्होंने 5 गेंदों पहले और 5 विकेट से ये मैच जीत लिया. और अगेन सऊद शकील ने परफॉर्म किया. आप कह रहे थे अभी ये लोग PSL अलग चीज़ होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग चीज़ होती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद भी आप अभी यही कहेंगे कि उनको T20 में चांस नहीं मिलना चाहिए इंटरनेशनल? देखिए, बात ये है कि अभी टू अर्ली, पहले भी मैंने कह चुका हूँ, ठीक है अभी आपको पता चल गया कि सऊद शकील भी अच्छा परफॉर्म कर सकते. बात यह है कि इंटेंट बहुत पॉजिटिव है किसकी, जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं. हाँ. क्योंकि अब पाकिस्तान टीम जब T20 की बात आती है तो तब ऐसी इंटेंट नज़र नहीं आती. अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लाहौर कलंदर की तरह साहब फरहान ने अच्छा खेला, फिर जानदार ने वो अच्छी बैटिंग की. अब दो प्लेयरों की परफॉर्मेंस से 187 हुआ. क्वेटा की तरफ से राफे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. हाँ. और उसके साथ कौन थे ये, सऊद शकील ने 40 किया. अब ये दो प्लेयरों की परफॉर्मेंस, ये इनिंग्स होती है. पाकिस्तान टीम को भी चाहिए T20 में ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए और ऐसे प्लेयर लेके आने चाहिए जिनके स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे हैं. ठीक है कायनात, मैं आपसे बात सवाल करूंगा, मगर मेरे जो न्यूट्रल अंपायर है खासतौर पे मरियम, उनको फोमो हो रहा है कि उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया, अभी तक उनके ऊपर कैमरा नहीं आया. तो मेरे न्यूट्रल अंपायर्स मेरे साथ मौजूद है. सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियों के दूर की है रंज, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनील दोस्त. मेरी अजीज करती है मुझे टीज, नहीं लेती कोई फीस, मरियम नफी. और इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक नामवर अदाकार और मॉडल, कॉमेडियन. सबसे अच्छी बात यह है, ये है मेरे दोस्त, पैनलिस्ट हैं हटकर, आए हैं बहुत सचकर, उस्मान मजर. कायनात, अगर ऐसा होता कि ख्वातीन भी ये मर्दाना PSL में हिस्सा ले सकती होती, और तो किस टीम में होती आप? मुझे लगता है शायद मुल्तान में होती. मुल्तान में होती तो पहले HMH कप में आप मुल्तान को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? इस उससे ही आप मुल्तान के साथ हो जाएंगे, ठीक है? वैसे आपका कराची से ताल्लुक है? वैसे कराची से ताल्लुक. मुल्तान में ऐसा क्या है गर्मी के अलावा? काफी बैलेंस साइड है, बैटर्स भी काफी अच्छे हैं, बॉलिंग उनके पास स्ट्रेंथ थोड़ी लंबी है. तो मुझे लगता है कि काफी इस PSL में काफी इफेक्टिव हो सकती है. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद बहुत ही नीचे आ रहे हैं बैटिंग करने पे, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, वसीम जूनियर के भी बाद आ रहे हैं. ख्वाजा नाफे आज परफॉर्म किए, उन्होंने 62 रन, अच्छे बैट्समैन हैं, कीपर भी हैं. तो अगर सरफराज को इतना ही डीप डाउन द ऑर्डर खेलना है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ख्वाजा नाफे से कीपिंग कराई जाए और सरफराज को थोड़ा रेस्ट करा दिया जाए? सीनियर्स का भी तो होना टीम में जरूरी है, एहतराम भी जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल, और सीनियर्स का वैसे प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीनियर और जूनियर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपको आगे लेके जाता है. उनकी प्रेजेंस में हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो डेवलप होंगे और ऑटोमेटिकली फिर उनकी जगह रिप्लेस होती जाएगी. प्रेजेंस में होंगे, मगर जब वो प्रेजेंस ही नहीं होगी, यानी कि वो आ ही नहीं रहे बैटिंग पे, तो फिर कैसे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? ग्राउंड में होना उनका, उस बरकत रहती है, बरकत में जिस तरह हमारे पूरे पैनल पे एक बाप का साया है रजाक भाई जैसा. रजाक भाई, आप इस बात से एग्री करते हैं कि उनका सिर्फ टीम में नंबर? आप क्या चाह रहे हैं मुझे बताएं, सरफराज को बाहर करना चाह रहे हैं? नहीं, बाहर नहीं करना चाह रहा, मैं बात कर रहा हूं. बात आप कर देते हैं, मेन हेडिंग मेरी बन जाती है कि रजाक ने कह दिया. मैंने खुद आप जो उनसे साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, आपका मतलब है सरफराज को बाहर होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक लॉजिकल सवाल. नहीं, आपने ये भी बात कही है कि अगर वो हैं तो वो बॉटिंग आर्डर भी नीचे आता है, आते भी नहीं है. ये भी अच्छा, मैं आपके अल्फाज वापस देता हूँ, आप हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है? अब आप नाराज हो, आप जैसे आप आग लग जाती है आपको. सुनील भाई, लाहौर दूसरा मैच हार चुकी है, आप अभी भी लाहौर के साथ ही हैं? क्यों
लाहौर लाहौर है, हम लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं, लाहौर के साथ आगे बड़े जीतेंगे। अच्छा अच्छा वाह, कब लेके जाएंगे? और ये ऊपर आएगी, नीचे वाले कुत्ते हैं। वाह, पिछली दफा भी यही हुआ था ना, बेसमेंट गए, बेसमेंट गए। अच्छा, ये ऊपर आएगी, कहाँ ऊपर आएगी, मतलब टेबल पे? टेबल पे ऊपर आएगी, जीतेगी। अभी शुरू में हारते हैं ताकि बाद में फिर मोमेंटम मिले, पहले से नहीं जीती भाई। 9 PSL हो चुके हैं, अब हो चुका ना शुरू। शुरू कब तक रहेगा ये? देखे जब जीता था तो पूरी दुनिया बंद हो गई थी, 2020 में जीता था कराची। हाँ, ये था कि एक बार जीते और फिर टूर्नामेंट ही नहीं हो पा रहा, वो ही नहीं पा रहा, बंद करो भाई। सही, ये कैसे हो गया? अच्छा भाई, बंद होने से याद आया, इस्लामाबाद की सपोर्टर है मरियम नफीस। इस्लामाबाद बंद होने से क्या याद आया भाई? जनाब वो रमजान वाला शरबत लग रही हो आज, तुर्क मलंगा भी डला हुआ है हल्का सा, काली शर्ट में। इसने ब्रांडिंग कर ली थी, इसने ब्रांडिंग कर ली। अर्शी जामेशीरी स्पॉन्सर भी है शो का, आपने पीना था, लगाना नहीं था। एक्सपेंसिव हो गए। अच्छा एक्सपेंसिव है, अच्छा वो आपने बता दिया, वाला लग नहीं रहा। अच्छा भाई एक बात करूंगा कायनात आपसे, 6 की 6 टीम्स अपने अपने मैच खेल चुकी हैं, सबसे ज्यादा पॉइस बैलेंस टीम कौन सी लग रही है? मुझे सबसे ज्यादा टीम बैलेंस लगती है मुल्तान की लगती है एक, उसके अलावा ग्लैडिएटर भी अजीब तरीके से उस वक्त सामने आ रहे हैं जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं। बैलेंस टीम से ज्यादा मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन जो अच्छा टीम में खिलाएगा ना PSL में, वो टीम ज्यादा आगे तक जा सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है काफी इफेक्टिव रहेंगे। उस्मान भाई आपको क्या लगता है कौन सी सबसे ज्यादा बैलेंस टीम है इस वक्त टूर्नामेंट में? खुद क्रिकेट में आपका बहुत इंटरेस्ट है। फेवरेट अभी इस्लामाबाद है क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर्स भी बहुत है, फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन भी है, पेस भी है। इस्लामाबाद के पास सब कुछ है, वजीर आजम नहीं है बस। ये एक मसला है इस्लामाबाद आजकल चल रहा है। रजाक भाई है ना, है ना, खैर खैर। अच्छा भाई आज HMH कप का आगाज करते हैं, आज HMH कप में 2 टीम्स खेल रही है, कौन सी टीम्स है दिखाइए? कायनात इम्तियाज यानी मुल्तान वर्सेस कराची यानी उस्मान भाई। रजी भाई थोड़ी देर के लिए आपको मैं गुजारिश करूंगा आप न्यूट्रल अंपायर बन जाएं और उस्मान भाई आप आज फाइनली लीड रोल में आ जाएं। वाह, उस्मान भाई कैसे हैं? लड़ो, मैं बस ऐसा ही हूँ। अच्छा जब मैंने लोगों को बताया कि आप एक्टर हैं तो लोगों ने कहाँ करते हैं? मशकूक प्रोग्राम आ रहे हैं, जो दो देख रहे होते मैं उनको भी जज कर रहा था, क्या कर रहे यार। सुनील भाई आप नाराज तो नहीं, आपको पीछे बिठाया हुआ? नहीं नहीं, पीछे बैठने में नाराज नहीं, लेकिन आपने फिर मरियम के साथ बिठा दिया, वो जूते मारे उसने। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, आपसे बात ही नहीं करती। रजी भाई आओ हम आपस में, वो भी नहीं करना चाहते, वो भी नहीं करना चाहते। HMH कप का आगाज करते हैं, पहला राउंड 360 डिग्रीज, आपने एस्टिमेटेड आंसर्स देने हैं, जिसका सबसे क्लोज होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं इस एरिया, इस पूरे एरिया की, पूरे जगह की एरिया कितना है, तो आप कह सकती हैं 100 स्क्वायर मीटर, आप कह सकते हैं 99। अगर ये 500 भी होगा तो आप जीत जाएंगी क्योंकि आप करीब करीब। ठीक है, रजी भाई का मशवरा बिल्कुल नहीं लेना, कभी सही नहीं होता। क्रिकेट का मशवरा आप, हाँ मशवरा ले सकते हैं। अच्छा भाई आप तीनों में से पूछूंगा, मुल्तान वर्सेस कराची यानी उस्मान और कायनात का मैच है। सुनील भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं दोनों में से? कायनात। कायनात को। मरियम नहीं, इतना उनको फर्क नहीं पड़ेगा, बता दो। कायनात। कायनात। रजी भाई उस्मान भाई। शुक्र 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 उस्मान भाई, यहाँ पे भी सिर्फ आपको 360 डिग्रीज। पहला सवाल, अमरीकी झंडे में कुल कितने सितारे पाए जाते हैं? वाह, 51 सितारे, झंडे पे सितारे हैं ना, उसमें कितने सितारे पाए जाते हैं? 51 कितने? इन्होंने बोला 51। हाँ क्या? 40। वाह रजाक भाई, अमरीकी झंडे में डंडे कितने होते हैं? दसो। मैं तुम्हें पूछना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही जवाब है 50। वाह उस्मान भाई वेल डन। अमरीकी झंडे में 50 सितारे होते हैं और हर सितारा उनकी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगला सवाल, वसीम अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने ओवर्स मेड इन किए हैं? तुक्के मार रहे हैं कायनात, अब आप मारिए पहला तुक्का। टेस्ट क्रिकेट है ना? टेस्ट क्रिकेट है। 500 उन्होंने मेड इन ओवर्स कराए होंगे। 350 उन्होंने मेड इन ओवर्स कराए। इन्होंने 500 कहा है ना? 510 कर दे। रजी भाई के साथ जाऊंगा,
510. ये क्या लॉजिक है यार आप भी किसी से मशवरा कर सकती हैं कायनात. वो मेन बंदे बैठे जिन्होंने नहीं इतने मेन बंदे चले यार बताएं क्या भाई बताएं. हम आपको सपोर्ट करें. आप 525 के 525 ज्यादा नहीं रहेंगे. ज्यादा वाली साइड पे जीत जाएंगे. अरे वसीम भाई अभी भी करा सकते हैं 3-4 मिलियन और करा देंगे. बोलो 525. आपने क्या बोला 510. ज्यादा किए मैंने क्या कहा था जब उन्होंने 500 कह दिए तो हमने 510 किया. आपने उनको मशवरा दिया उन्होंने आपका मशवरा नहीं तो वो फिर आगे आ गए ना मेरी बात सुने. नहीं नहीं ये चीटिंग है. इस्लाम में अलग ना 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 मेरी गलती है. मेरी गलती है. मेरी बात सुने. चीटिंग ये है. ये नहीं एक मिनट में चीटिंग ये है कि अब टर्न वाइज जब इनकी पहली बारी आ गई ना इन्होंने दे दिया उसके बाद ये चेंज नहीं कर सकते. हां मेरी बात सुन. आप मेरी बात मेरी बात तो सुन. आपने इनसे पहले पूछा ना. मेरी बात सुन. नहीं सुननी मैंने. आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनमें से कौन. नहीं 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 मैं बिल्कुल वो उसके साथ हूँ ना बिल्कुल. देखे जिनसे पहले पूछा जाता है ना उसका राइट होता है पहला. रजी भाई आपका सही नहीं था. आप दूसरे जो जवाब दे दिया उसके बाद भी पहले से नहीं पूछा जाता. यार आप लोग आपस में झगड़ा कर ले क्या हो गया. रोस्ट करेंगे जी. मैं रोस्ट होगा. मैंने कहा था सर कैसा दिया मशवरा. बहुत अच्छा. 10 से भी ज्यादा पूछा कि मैंने क्या किया. एक जवाब जो इस आदमी ने कभी सही दिया. ये कक न्यूक्लियर न्यूट्रल अंपायर है भाई. 76 साल से कराची के साथ ज्यादती हो रही है. एक बार और सही. कोई बात. चलो अगला देखो. अगला डेथ ओवर्स. उस्मान भाई ये बजर राउंड है. नीचे बजर है उंगलियां पे. सवाल आएगा. 4 ऑप्शंस होंगे. पहले सवाल देखिए. उनको पहले बता दें इस्मान भाई अगर आपको कंफर्म हो तो दबाना है अदरवाइज नहीं दबाना. आपने पूछ के नेगेटिव भी हो रहा है ना. हां दबा आप कर लो. आप कर लो ये काम. आप कर लो ये काम. सही है. ठीक है भाई. इसमें पूछना नहीं है यार. जवाब इधर आ जाओ यार. इधर आ जाओ. मैं चला जाता हूं. गलत जवाब पे नेगेटिव मार्क्स भी हैं. ठीक है तो जरूरी नहीं है अटेम्प्ट करें. मगर +10 भी हैं और फिर मैं स्टेक्स बढ़ा भी सकता हूं. एक एक बार बजर चेक करा दे. आप भी चेक कर. इनकी थोड़ा पतला है लेकिन थोड़ा लाइट. थोड़ा देर तक बजाना. देर तक. ठीक है. चलो भाई सवाल. दुनिया में सबसे ज्यादा पेंगुइन्स कहां पाई जाती हैं? उस्मान भाई सर मुझसे पूछे. यस यस यस. चैलेंज करेंगे कायनात. यस करना चाहिए. नहीं 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 माइनस हो जाएंगे. ना करो. कर लो कर लो. नहीं करना. नहीं करना. कर लो. ठीक है. नहीं कर. उस्मान भाई यू आर गोइंग विद एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका सही जवाब है. एंटार्क्टिका. वेरी वेल डन. जस्ट इट. भाई सही है. खुश है रजाक भाई. खुश है. मुझे भी पता था. पूछ ले मैंने क्या नहीं किया. क्रिकेट के अलावा हर जवाब सही देते हैं. हाँ, रजाक भाई वहां जाते हैं अंटार्कटिका. इन्हें घेर लेती है पेंगुइन्स. हमें कहानियां सुनाए रजाक भाई. फिर वो यूं ही करके ताली बजाते हैं. रजाक भाई के लतीफे सुनिए. दिखाओ बेटा अगला सवाल. स्कॉटलैंड किस वजह से मशहूर है? अरे अरे अरे. हाँ लैंड ऑफ कैसल्स. कैसल्स लैंड ऑफ कासिल्स. उस्मान भाई चैलेंज करेंगे. ठीक है रजाक भाई. स्कॉटलैंड का दूसरा नाम पता है आपको? मैं सुन रहा हूं. आगे चले. आगे चले. ठीक है. सही जवाब है लैंड ऑफ केक्स. गलत जवाब कायनात. -10. केक्स. स्कॉटलैंड केक्स. लैंड ऑफ केक्स. व्हाट्स गोइंग ऑन. धानली. धानली. चलो भाई अगला सवाल. लाफिंग गैस किस केमिकल से बनाई जाती है? लाफिंग गैस. उस्मान भाई आपका टीचिंग में भी एक्सपीरियंस. कायनात. नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड. उस्मान भाई. नहीं नहीं. एथिलीन. आप ले रहे हो? ले रहा हूँ. एथिलीन. ठीक है सही जवाब है. एथिलीन. नाइट्रस ऑक्साइड. +10 -10. उस्मान भाई वाह. माइनस भी हो गए. अच्छा आप ये देखो. आप ये देखो क्योंकि पढ़ा लिखा सवाल था. किसी ने पीछे मुड़के नहीं देखा. यू देखा ही नहीं किसी ने. खुद जवाब दिए. जी 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 माशाल्लाह. अच्छा रजी भाई क्या लिखा है ग्रीन? नहीं मेरी बात सुने. आप भी पूरे 3 घंटे लगा के आते हैं मुझे पता है. क्या मैं 3 घंटे ये सारा ये करके आते हैं? हाँ जी. अच्छा लगाओ. चीन का कौमी खेल क्या है? चीन. हाँ पाकिस्तान को कर्जा देना. टेबल टेनिस. टेबल टेनिस. हाँ भाई कायनात चैलेंज. मशवरा कर लो. मशवरा कर लो. बैडमिंटन. अरे जिन मशवरा करें सब इधर उधर देख रहे नहीं. बैडमिंटन या टेबल टेनिस में से कोई एक. पता है आपको? जाने दे. जाने दे. आप कह रहे हैं टेबल टेनिस. सही जवाब है जिम्नास्टिक. टेबल टेनिस. +10 राइट आंसर. उस्मान भाई वेरी वेल प्लेड यार. आज बहुत अच्छा खेल रहे. थैंक यू यार. थैंक यू.
अगला सेगमेंट है अब क्या होगा, अगला सेगमेंट अब क्या होगा, वीडियो दिखाएंगे, बीच में पॉज हो जाएगी, आपने बताना है आउट है या नॉट आउट, मशवरा भी कर सकते हैं, ठीक है, दिखाओ बेटा बजर राउंड है, हाँ भाई बजर दबा के कोई बताए, हाँ जी बता दे, बजर भी दबाना है, नहीं आउट है, आप चैलेंज कर सकती हो, आप अभी कह सकती हो कि ये आउट है, नहीं वो एडवाइस का पूछ रही है, एडवाइस तो उनसे वैसे ले लो, बजर दबा के ले सकती है, ठीक है दिखाओ बेटा, माइनस टेन, और पूछो आप और पूछो, बचा के खेल ले, अगली जो अगला जो है ये है सिक्स और नॉट अ सिक्स, बजर दबा के बताना है, दिखाओ बेटा दबा दो, नहीं ये इस मैच में थे, अच्छा थे फिर बता दे, सिक्स, उस्मान भाई चैलेंज कर रहे हो नॉट अ सिक्स कह के, कुछ भी हो सकता है, आउट है, आउट है, 20 कटेंगे, नॉट अ सिक्स, 20 कटेंगे तो एक एक दे देते हैं, 20 कटेंगे, सिक्स कर दे, नॉट अ सिक्स कर, माइनस 10 होंगे, अभी मैं तो कर जाने दे रहा हूं, माइनस 6, बहुत फेव 6, दिखाओ बेटा, गेल का वैसे मिस टाइम भी 6 ही होता है, सिक्स है, सिक्स है, 98 मीटर का छक्का, प्लस के देख रहे हैं राज भाई अब क्या कर लेंगे, अगला जो है उसमें टॉस हो रहा है आपने बताना कौन सी टीम जीती है दिखाओ बेटा यस करते 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 वो सिर्फ आपने क्या है नहीं उन्होंने गेस नहीं गेस नहीं वो दूंगा मैं दूंगा उनको दूंगा मशवरा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैलेंज कर रहे हो आप नहीं सही जवाब है अगला सेगमेंट मेरा फेवरेट सेगमेंट है, थोड़ा दिनों तक थोड़ी से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, आना मना कहीं नहीं जाएगा, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग हारना मनाया प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलेक्स एंड पावर्ड बाय माइको, हम खेल रहे हैं एशियन कप, कायनात इम्तियाज और उस्मान मजर, यानी कि कराची वर्सेस मुल्तान, सवाल पूछा गया था, अब वक्त आ चुका है फ्री हिट का, फ्री हिट में ऐसा होगा कि तीन नंबर आएंगे यहाँ लिखे हुए, उनमें से एक एक करके आप एक नंबर सेट करेंगे, उनके पीछे टास्क है, एंड फॉर दैट टास्क यू विल हैव 10 सेकंड्स, जितना ज्यादा वो टास्क करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से कायनात आप पहले नंबर चूज कर लें, वन, दिखाइए वन के पीछे क्या है, गैर मुल्की क्रिकेटर्स के नाम बताइए, जेसन रॉय, डेविड मलान, लो बताएं जरा नाम भूल के सारी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन वॉटसन, खत्म, हाँ चार दिया, 40 नंबर आपके हवाले हो गए, उस्मान भाई ये क्या हो गया भाई, ये भी टाइम रहता था आपने नहीं, जीरो हो गए, उस्मान भाई नंबर सेलेक्ट करें, नंबर टू सारे नाम बोल दो, पाकिस्तानी खानों के नाम बताए, बिरयानी, कोरमा, निहारी, चिकन टिक्का, चिकन रोल, बिहारी कबाब, ढाबा, कुन्ना, पालक साग, आठ आठ आठ, वेल डन उस्मान, वेल डन, ये कायना ने डिस्टर्ब किया ना आपको बीच में, नहीं तो खुद बता रही थी उनको बीच में धागा कबाब, मैं आपको 80 मिले आपको 40 मिले, अब वक्त आ चुका है ईगल आई, ईगल आई इज पावर्ड बाय माइको, इसमें होगा ये कि आप एक स्टिल पिक्चर देखेंगी जिसमें तीन चार बॉलें नजर आ रही होंगी, आपने बताना है कि इसमें सही वाली बॉल कौन सी है, ठीक है दिखाएं बेटा, पहला बजर राउंड है, दिखाएं भाई किसने, उस्मान भाई, कायनात बताइए भाई, ए बी या सी, सी सी, उस्मान भाई चैलेंज कर सकते हैं, करते 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 बी कर दे, ना करें बी कर दे, ना करें, मैं जाने दूंगा इस बार, नहीं नहीं कर दे बी, बी कर, नहीं नहीं मैं बता रहा हूं, बी बी सही जवाब है, अगला ए बी या सी बजर राउंड है, उस्मान भाई ये तो आप है, ए, हाँ भाई कायनात चैलेंज कर रहे हैं,
बी किधर है कायनात बी सी बी बी मशवरा कर लो मशवरा कर लो बी लग रहा है मैंने तो कर दिया अब तो मशवरे में बी हो सकता है ये ठीक है सही जवाब है ए इज द राइट आंसर प्लस कैन उत्पाद भाई ये हम पंगा नहीं ले सॉरी ये बॉस लड़का भी मेरे पास चले अब हमने कोई पंगा नहीं लेना मिस कह रहे हैं ठीक है ठीक है अब वक्त आ चुका ओ हो भाई वाइल्ड कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है इसमें होगा ये मेक और ब्रेक राउंड है आप बहुत ज्यादा लीड से जीत सकती हैं बहुत बड़ी लीड से हार भी सकते हैं ठीक है होगा ये कि एक सवाल आएगा एक एक करके खेलेंगे उस्मान भाई पहले आप खेलेंगे एक सवाल होगा दो तस्वीरें होंगी उसमें से आपने सही तस्वीर सेलेक्ट करनी है वो तस्वीर वहीं रहेगी फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा सवाल वही रहेगा सही हम मैं आपको ब्रेक में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ दिखाओ बेटा सवाल है इन दोनों में से कौन ज्यादा लंबा है आतिफ मेरे ख्याल से आतिफ असलम ये भी आतिफ असलम ही सही जवाब अगले दिखाओ इन दोनों में से कौन लंबा है आतिफ 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 गलत जवाब स्ट्रीक टूट गई अली जफर ज्यादा लंबा क्या नहीं आप नाप के देख लेना फिर हमें बता देना अभी क्या क्या कह रहे हैं भाई जैसे दो जिगरी दोस्ती है कायनात आपकी बारी आपने सिर्फ तीन जवाब देने बल्कि दो ही दे दें तो जीत जाएंगी रेडी है रेडी दिखाओ बेटा इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है राइट साइड मंशा साहब ये वाले अंबानी अंकल अंबानी अंकल सही जवाब तकरीबन अंकल इन दोनों में से कौन अमीर है लेफ्ट वाले चीना होगा चीना चीना ही होगा अरे ये क्या हो रहा है नहीं ये तो लगता है तकदीर नंबर दो पॉइंट दो हमारे बंदे को हट गए इसका मतलब अंबानी नहीं थे ज्यादा अमीर अंबानी वो गलत हो गया टेक्निकल एरर कर दिया प्रोडक्शन के लड़के भाई हम गए हाथ का अब इन दोनों में से कौन अमीर जल्दी कहें अंबानी साहब अंबानी साहब ठीक जवाब यार अब इनमें से अमीर कौन है इन दोनों में से कौन अमीर है भाई बताओ ना प्लीज अंबानी फिर अंबानी इन दोनों में से कौन अमीर है फिर अंबानी अंबानी आपके आपने पांच दिए आपके 50 पॉइंट्स और आपके माइनस ठीक है अब वक्त आ चुका है इन लड़कों के सवाल पूछने का इनके लिए भी गिफ्ट हैम्पर है मेरे पास इनसे सवाल है करछी जामे शीरी का करछी जामे शीरी इनके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा लेकर आ जाओ मेरे पास जल्दी से शाबाश सवाल लगाओ भाई पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप कौन सी टीम के खिलाफ जीता जरा पीछे से कोई 92 का वर्ल्ड कप हाँ भाई मियां इंग्लैंड सही जवाब है आ जाओ तुम पैदा हो गए थे 92 में तुम्हें किसने बताया बाबा ने बताया वो पैदा हो गए थे वेरी वेल डन थैंक यू चलो सीधा अच्छा भाई अब वक्त आ चुका है ऑडियंस बात करना चाहती है तमाम सेलिब्रिटीज और मरियम नफीस से ठीक है तो इनके पास सवालात है किसके पास है पहला सवाल आपके अस्सलाम वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन रजाक भाई सलाम दुआ कर लेते हैं तो ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं माइक अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक माइक किसी मकसद से दिया सर इसी में बात तो क्या करते हैं सर सर मैं जॉब करता हूं और क्या नाम रखा हुआ है इस बात पे अब्दुल्ला रख लिया आपने वेरी गुड कोई सवाल करें सर मेरा क्वेश्चन रजाक भाई से है हां कि इन्होंने 2010 में अफ्रीका के खिलाफ बहुत शानदार टारगेट चेस किया था हाँ. वो प्रेशर ज्यादा था या मरियम के साथ बैठे हुए वो प्रेशर ज्यादा शर्म सी आ गए मशरखी लड़का सही बता दें आपको ऐसी बात ना कर देना भाई फिर कहेंगे मैं वायरल हो गया मेरी न्यूज बन गई हाँ रजाक भाई एक बात है जब भी कोई सवाल करता है आपने कई तारीखी इनिंग्स खेली है मैंने 4-5 तो खुद देखी है मगर सबको साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स क्यों याद रहती है ऐसा क्यों है बस वो कुछ नेचुरली होती है इनिंग्स उसमें है बाकी आपने कंप्यूटर पे खेली थी नहीं बात यह है कि कुछ चीजें होती हैं जो आप एक होता है ना कि जो चीजें हो रही होती हैं पता चल रहा होता है कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहीं से और से आ रहा होता है कहाँ से आ रहा होता है रजाक भाई कहाँ से जब प्रेशर देखें पता है आप क्रिकेट खेलते नहीं है ये खेलती हैं एक होता है जब आप क्रीज पे जाते हैं ना
तो आपकी बॉडी बताती है कि प्रेशर है कि नहीं है। ठीक है, ठीक उस वजह से मैं कह रहा हूँ। हमारी बॉडी बताती है प्रेशर है कि नहीं, हम लोगों की बॉडी भी बताती है। गलीब जो हो गया है ना अभी एकदम से। अच्छा बात सुनो, लिटिल रेड राइडिंग हुड। हाँ वो ही बैठी हो तुम। क्या? लिटिल रेड राइडिंग हुड। अगला सवाल किसके पास है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम सर। सर माइक करीब रखे ना। मेरा नाम सलमान है। मैं पूछ ही नहीं, आपसे नाम पूछा ही नहीं मैंने। पिछले बंदे से मैंने यही सबक सीखा कि पहले नाम बताना है और फिर अपना प्रोफेशनल बताना है, उसके बाद सवाल पूछना है। मैंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। आप दोबारा पूछिए। मेरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ रहते हैं? मैं लाहौर में। लाहौर में रहते हैं। और क्या नाम है? मेरा नाम सलमान है। और क्या करते हैं सलमान? बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। बाय प्रोफेशन आप टीचर? वेरी नाइस सर। कोई सवाल पूछो। ताबिश भाई, मैं आपका और रज़ाक भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन सवाल मेरा मैडम मरियम से है। मैडम मरियम जी। मैडम मरियम, आप ये देखो कि फैन हमारे ही है, यानी स्टार्स की फैन। मैडम, मैं एक्टिंग करती हैं और वो तो रिकॉर्डेड होती है और उसका भी एक प्रेशर होता है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका प्रेशर ज्यादा है या इस वक्त रज़ाक भाई के पास बैठने का प्रेशर ज्यादा है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है इस बात का। चले उस्मान भाई, एक बात बताएं, आप भी इस से ताल्लुक रखते हैं जी, लाइव शो ज्यादा मुश्किल होते हैं या रिकॉर्डेड? नहीं, लाइव शो मुश्किल भी होते हैं लेकिन उसका एक नशा भी होता है आपको, क्योंकि आपको उसी वक्त ऑडियंस से जो एनर्जी मिलती है वो रिकॉर्डिंग में कभी नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग में एनर्जी? आप देखें क्या जबरदस्त ऑडियंस है ये, जो भी एनर्जी दे रही है कि नहीं? बहुत प्यार है ना। हाँ भाई, अगला किसके पास? सर माइक करीब रखना। आपसे मुझे पूरी उम्मीद है आप ठीक करोगे ये काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहसान उल हसन। एहसान उल हसन। एहसान भाई क्या करते हैं? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई सवाल करेंगे जी? अब्दुल रज़ाक साहब से मेरा सवाल है, आपने काफी सारे कैप्टन के साथ इनिंग्स खेली है और उनके दौर में खेला है, आपको सबसे ज्यादा मजा अफरीदी के साथ आया या मिसबा के साथ? मजा क्या मतलब? मजा क्या मतलब? ये बात सही है। आपका अच्छा एक्सपीरियंस किस कैप्टन के अंडर रहा? ये मजा क्यों आएगा? यार मजा हदफ कर दें। आप जिस शो में है ना, सही सवाल नहीं करना आपने। अच्छा बात सुने, जब आपने सही सवाल होता तो आप जवाब गलत दे देते हो। उन्होंने कह दिया तो छोड़ दो उनको। मजे का मतलब है कि उनकी किसके अंडर आपको ज्यादा अच्छा लगा, इंजॉयमेंट होती है ना। ये हमारी नहीं होता ये सब कुछ। नहीं कप्तानी, हम ऐसे लोग हैं। आप और खराब कर दो। कप्तानी मजा आता है आपके इंजॉयमेंट? कप्तानी का भी होता है ना, जो कप्तान होता है उसके अंडर खेलने का आपको मजा आता है कि यार किसके अंडर मैं खेल रहा हूँ, ये उनका मकसद है। आप कह रहे हो मैं मान रहा हूँ, वरना मुझे तो एक्सपीरियंस होता है भाई, अपने अच्छे प्रोड्यूसर के अंडर कैसे एक्सपीरियंस रहा, ये क्या मजा क्या है ये बात। जैसे कोई भी आप ऐसी बात करें ना तो इनके अंदर की भूख खुल जाती है। खुल जाती है? शायर ने शेर में ये बताया है। भूख खुल जाती है। वेरी गुड। नहीं, रज़ाक भाई के दोस्त है शाहिद अफरीदी, और मैं बगैर देखे बता सकता हूँ शाहिद अफरीदी के ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मिसबा के मैं ज्यादा अंदर इतना खेला नहीं, उतना ज्यादा नहीं खेला, लेकिन लाला के साथ आपको मजा है? हाँ जी, बड़ा। चलो अगला कौन है भाई? कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या दोस्त नाम रखा हुआ है? मोहम्मद राशिद लतीफ। वाह भाई, मोहम्मद राशिद लतीफ। क्या करते हैं राशिद? स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का? सिविल। और कुछ है? रहिए ऐसा ऐसा बता रहे हैं, स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का सिविल। सवाल मेरा सवाल कनाद मैडम से है कि जैसे अभी PSL की लीग हो रही है मर्दों के लिए, तो गर्ल्स के लिए भी लीग होनी चाहिए पाकिस्तान में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? हुई भी थी लीग। एग्जीबिशन गेम्स हुए थे इस साल भी, एक्सपेक्टेड थे, लेकिन थोड़ा बोर्ड की चेंजेस की वजह से पोस्टपोन हो गए, तो वी आर होपिंग कि अगले साल PSL होगी वुमेन्स की। अच्छा भाई, ऐसा है कि जाहिरी बात है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है लीग्स के अंदर, तो खवातीन आप लोग आपस में मिलकर जाती नहीं बोर्ड के पास कि हमारी भी लीग कराएं? नहीं जाते हैं, लेकिन बोर्ड बार बार चेंज हो जाता है ना, ये मसला है कि बोर्ड की जो चेंज, जब तक आप इरादा बना के जाती हो अगला बंदा चेंज हो चुका होता है, जिस बंदे से बात करते हैं वो बंदा चेंज हो गया होता है, दूसरा बंदा आ जाता है, तो उस वजह से ऊपर नीचे सोरा हो जाता है। ये हो सकता है, पता है हो सकता है, क्योंकि जब ये मैचेस होते हैं ना, जिस दिन एक दिन मैच होता है ना, उस दिन इनका मैच डे मैच होना चाहिए, ऐसा ये करवा सकते हैं उसमें, हो सकता है। रज़ाक भाई एक सवाल बड़ा अभी आया है सुनने में, आया मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन लगा दिए गए, कैसा देखते हैं इस डिसीजन को? बहुत अच्छा है, और उनका जो एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का वो बहुत जबरदस्त है, और इंसान बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छी बात ये उनके साथ ही मजा आएगा क्रिकेट को।
काम करने वालों को। अब इतना इतनी तारीफ काफी होती है। इतनी तारीफ कर क्यों रहे हो आप? कौन? अभी अच्छा सही है बिल्कुल। हमें उनको क्रिकेट नहीं, वो मुझे पता है। दरअसल उन्होंने ना पिछले काफी सालों से चैनल संभाले हुए हैं। चैनल संभाले? हाँ जी। और जितने भी उनके एम्प्लॉयर हैं उनसे काफी खुश थे। अच्छा। क्योंकि मैं जब भी उनके चैनल में जाता था। क्यों जा रहे थे जब आप यहाँ काम करते तो? ये ऐसे पहले की बात, 10 साल पहले की बात है। तो सारे एम्प्लॉयर जो थे ना वो उनसे इतने खुश थे कि वो चाहते थे कि हम घर ज्यादा ना रहें और इस चैनल में ज्यादा रहें। तो इतना अच्छा माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ। ऐसा क्या क्रिएट कर लिया कि लड़के बोल रहे हम घर नहीं जाएंगे? वालेकुम सलाम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद मुदस्सिर वकील। क्या करते मुदस्सिर? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल? मेरा सर सुनील से क्वेश्चन है। सर सुनील, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ताबिश भाई के साथ कोई बिजनेस खोलना पड़े तो ऐसी फर्नी पर्सनैलिटी के साथ आप कौन सा बिजनेस खोलेंगे और उसका नाम क्या होगा? बेटा मेरे साथ मतलब मैं प्रोडक्ट हूँ या पार्टनर हूँ? आप पार्टनर हैं। पार्टनर प्रोडक्ट भी हो सकते हो। हाँ भाई, अगर हम दोनों कोई बिजनेस खोलें, खुद प्रोडक्ट भी और पार्टनरशिप में करें। ये हम दोनों प्रोडक्ट और पार्टनर दोनों बन सकते हैं। लेकिन सुनील भाई हम क्या करेंगे इस बार? हम लीगल गाड़ियां बेचेंगे। बिजनेस करना है इन्होंने ना। बिजनेस कुछ कह दो आप। नहीं आप मत को, आप कोई बच गया, कोई रह तो नहीं गया। आप है हजरत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस क्या करते? मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, कुछ सवाल करेंगे? मेरा सबसे सवाल है, सबसे सवाल है यहाँ जो ऑडियंस भी जवाब नहीं, सिर्फ आपसे जवाब मेरे सामने। जैसे दो खेल है हमारे, एक फुटबॉल है और एक क्रिकेट है। हाँ। मतलब दोनों खेलों में बॉल के पीछे भागना होता है। हाँ। फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। जी जी। लेकिन फुटबॉल में भागते हैं तो कच्चा पहन के भागते हैं और क्रिकेट में ट्राउजर। हाँ। इनमें डिफरेंस क्या? दोनों में, दोनों का काम तो सेम ही है। कंप्यूटर का दौर है ना, कंप्यूटर का दौर है। आज तक हमारे जहन में ये सवाल नहीं आया। आपको कैसा? और ऊपर से माशाल्लाह गाड़ी भाई। आपसे पूछूंगा, कभी आपने सोचा कि यार काश मैं क्रिकेटर्स की भी टांगे देख सकता? नहीं, मैं तो बॉल को ज्यादा देखने में मसरूफ रह गया था मेरे ख्याल से। लेकिन ये बात टेक्निकल है यार, टेक्निकल क्यों ये भी शुक्र करें ये पाकिस्तान तक है, ये ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका नहीं पहुंचेंगे। टेक्निकल बात भाई, देखिए ना, फुटबॉल जो है वो साइज में बड़ी है तो उसको भागने के लिए आपको ज्यादा रीच चाहिए। मुझे लगता है, मुझे समझ में आ गया क्यों। इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, ड्रेस अप बहुत मैटर करता है उसमें। बाकी लोग कौन से बदमाश खेल रहे हैं जेंटलमैन? फुटबॉल लफड़ों का गेम। टेनिस खेला? सिंपल सवाल पता है क्या है? क्या? फुटबॉल जो है ना टांगों से खेली जाती है। अच्छा, और स्क्वाश उसमें भी शॉर्ट्स पहनते हैं? नहीं, वो हाथों से खेली जाती है। तो उसमें क्यों शॉर्ट्स पहन रहे? टेनिस खेले, टेनिस टेक्निकल जवाब ये है कि फुटबॉल, स्क्वाश, टेनिस, इसमें आपकी टांगे ज्यादा स्ट्रेच कर रही होती है, आपकी रीच ज्यादा मूवमेंट की बात है ना, मूवमेंट आपकी ऐसी होती है। क्रिकेट में इतना खुलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये जवाब ना दे पाए। मैंने बात सुन, यहाँ पे कोई भी कर ले सवाल, ये उल्टा ही मेरा बोले क्या जी? मैं कुछ नहीं कर रहा था, बहुत सवाल अच्छा था, ये सवाल टेक्निकल था, ये भेदभाव क्यों? हाँ चलो भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं जवाब मुझे आ गया, असल में क्रिकेट स्टार्ट किया ना ये उन लोगों ने, अंग्रेजों ने, उनके भी अफसरान ने, वो शॉर्ट्स पहनना पसंद नहीं करते थे। आप पुराने जमाने की फौज भी देखना, अंग्रेज फौज, उसमें सिपाही जो छोटे रैंक्स होते थे वो शॉर्ट्स पहनते थे और बड़े अफसर पैंट्स पहनते थे। इसीलिए क्रिकेट, क्योंकि ये अमीरों का गेम था इसलिए वो पैंट्स पहनते थे। बाकी गरीब, मैं यकीन से कह सकती हूं कि जवाब नहीं है। और आपके पास एहतजाज है मुझे इस जवाब? बोलो आप भाई, टेनिस भी जेंटलमैन का गेम है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा आप सुनो, आपने कहा क्रिकेट में टांगे नहीं खुलते, ये रीजन है ना? दिखाओ बेटा। अरे 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 थैंक यू सर, थैंक यू। छोटे ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हाथ ना बनाए कहीं नहीं जाएगा।
वेलकम बैक टू आना मना है। वक्त आ चुका है कि आज के एचएमएच कप के विनर्स को तलाश किया जाए, भरपूर तालियों में देखा जाएगा कौन है आज का एचएमएच कप का विनर। एंड थैंक यू कायनात, आप जीती भी हैं और आप लोगों की एवरेजेस में 10-10 का मरियम और सुनील भाई के अब वक्त आ चुका है कि ओवरऑल एचएमएच कप का पॉइंट्स, सॉरी रजाक भाई के माइनस नहीं होंगे, नहीं माइनस इतना दूर नहीं करूं, बहुत दुश्मनी में उतर आया है ये भाई, ये बात बढ़ गई है। अच्छा भाई, अब पॉइंट्स टेबल का वक्त आ चुका है, ओवरऑल पॉइंट्स टेबल पे क्या है एचएमएच कप का पॉइंट्स टेबल। सबसे ऊपर है रजाक भाई विद एन एवरेज ऑफ 1.2, एक मैच खेला एक जीता, दूसरा कायनात इम्तियाज, एक मैच जीता एक खेला। मरियम नफीस बॉटम ऑफ द टेबल है और वो भी इसलिए कि हेरा खान ने अभी तक मैच नहीं खेला है, इसलिए आपको पांचवें नंबर पे नजर आ रहा है। मैंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया था उस गेम में वैसे। कल हेरा खान डेब्यू करेंगी मरियम के अगेंस्ट, कल एक बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, दोनों एक दूसरे से, मरियम जलती भी है थोड़ा सा हेरा से, मजाक वाली भी है। और पीएसएल में मैच है इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान, तो अब प्रेडिक्शंस का टाइम आ गया। रजाक भाई, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। मरियम भाई जान, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। कायनात, समझ नहीं आ रहा, फेवरेट टीम दूसरी है लेकिन मुल्तान अच्छा खेलेगी। नहीं नहीं, मुल्तान वो वापस कमबैक स्ट्रांग करेंगे। मुल्तान। उस्मान भाई, होम ग्राउंड पे मुल्तान शायद हरा दे, हरा देना, मैं भी मुल्तान सुल्तान के साथ जाऊंगा। कल क्या कुछ कहना है, पैनल वर्सेस एम्पायर दोगे भाई? हां ये तो होना ही था, पैनल वर्सेस वर्सेस एम्पायर नहीं, कल आप होंगी ना इधर, कल अपनी आप सारी इसमें यहां पे निकाल दीजिएगा जो भी आपके अंदर वो है, ठीक है। अच्छा कल मैं सही प्रेडिक्शंस भी एवरेज में जोड़ूंगा। अच्छा अभी दो दिन से शायद नहीं हो पा रहा था ये, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही, ये एवरेज निकाल कौन रहा है? मैं आपको एवरेज, असल में मैथ का पूरा प्रोसेस है, वो समझाने में आपको टाइम लग जाएगा, मैं बाद में समझा दूंगा, अलग से समझा देना, मैं समझा दूंगा आपको। सुनील भाई कल आप चार दिन नहीं होंगे, जुदा होंगे हमसे, बेस्ट ऑफ लक फॉर चोलिस्तान रेस, अल्लाह करे आप जीत कर आए और हमसे प्राइज मनी शेयर भी करें और यहाँ पे हमें अपनी कारिस्तानी भी सुनाएंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, और चार दिन नहीं होंगे आपको मिस करेंगे। सुनील भाई, सुनील भाई के लिए तालियां। आज वक्त हुआ है एचएमएच कप का, आज रुखसत लेने का, कल दोबारा पीएसएल के एक और मैच और एचएमएच कप के एक और मैच के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट और हाजिर।